आत्मा नमस्ते एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे लॉर्ड गणेशा की, गणेश जी या गणपति जो विघ्नहर्ता मंगल करता। ये उनका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है कि बाकी सारे भगवान हमको प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस देते हैं, बट गणेश जी के पास वो पावर है कि वो हमारे जीवन में आने वाले विघ्न, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, उनको भी हटा सकते हैं। सो कल है गणेश चतुर्थी, दैट इज 10th of September 2021। आई वुड बी टेलिंग यू कौन सा सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, कब आप पूजा करें, कैसे करें, बाद में। सबसे पहले गणेश चतुर्थी मनाते क्यों है कल? सो आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी कि पार्वती माँ नहा रही थी और उनको लगा कि आई नीड समबडी टू गार्ड, कोई अंदर ना आ जाए। तो उन्होंने क्या किया, बैक देन क्या होता है, उपटन लगाते बॉडी में। तो वो जो उपटन उन्होंने उतारा, उस उपटन का उन्होंने एक आइडल क्रिएट किया, और सिंस वो उनके शरीर से ही उत्पन्न हुआ तो उन्होंने उसको अपने बेटे का दर्जा दे दिया और उनको द्वारपाल की तरह बाहर बिठा दिया और कहा किसी को अंदर मत आने देना, मैं नहा रही हूँ। अब गणेश जी, वो गणेश जी, उस बालक का नाम गणेश जी था, अब तक गणेश जी नहीं हुए, ठीक है। तब तक आते हैं शिव जी और वो बोलते हैं मुझे अंदर जाना है। अब गणेश जी को कुछ आइडिया नहीं है शिव जी कौन है क्या है, उनको सिर्फ ये पता है कि किसी को अंदर नहीं जाने देना, वो मना कर देते हैं। शिव जी तो शिव जी हैं, वो काफी देर बहस होती है, फिर वो गुस्सा होते हैं एंड फाइनली वो गुस्से में उस बच्चे का सर कलम, उसका सर हटा देते धड़ से, फिर अंदर चले जाते हैं। और पार्वती माँ को जैसे ही पता चलता है, शिव जी बताते हैं ऐसे ऐसे मुझे बाहर कोई रोक रहा था, मैंने उसका सर हटा दिया। तो पार्वती माँ एकदम दुखी होके बाहर भागती है, अरे ये आपने क्या किया, वो अपना पुत्र है और अब मुझे आपने, अगर मुझे मेरा पुत्र नहीं मिला मैं पूरे संसार को खत्म कर दूंगी, आई विल डिस्ट्रॉय द एंटायर यूनिवर्स। अब सारे देवता लोग डरने लग गए, तो शिव जी को बोलते हैं भाई कुछ करो। तो हियर अ टिप फॉर वास्तु शास्त्र, शिव जी बोलते हैं अपने गणों को, अपने जो उनके काम करते थे उन लोगों को, कि जो भी जीव उत्तर की तरफ सर करके सो रहा है उसका सर काट के ले आओ। So, गण जाते हैं और उत्तर की तरफ सर रख के सो रहा होता है एक हाथी, तो उसका सर काट के वो ला के शिव जी को देते हैं और शिव जी उस बालक के ऊपर वो सर लगा देते हैं और उस दिन से वो गणेश जी हो जाते हैं। उनका नाम गणपति क्योंकि उनके सर हाथी का सर आ जाता है। सो ये है, ये कब हुआ, गणेश चतुर्थी जो कल है वो है भाद्रपद की, भाद्रपद एक महीना होता है हिंदू कैलेंडर में, उसकी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ये हुआ था ऐसा। और गणेश जी का बर्थडे कब मनाया जाता है, दोपहर में, ओके, आफ्टरनून में ही वाज क्रिएटेड। सो आपको टाइम भी बता देती हूँ, कल का मुहूर्त मेन है 11:03 AM to 1:33 PM। दिस इज द बेस्ट मुहूर्त जब हम गणेश जी की पूजा करेंगे। ये एक स्टोरी है। देन एक और स्टोरी है गणेश जी की कि सबसे पहले तो इस वाला, जब उन्होंने, शिव जी ने गणेश जी के सर लगाया तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने कहा जब भी कोई भी पूजा करेगा सर्वप्रथम वो तुम्हारा नाम लेंगे। उसके बाद एक बार क्या हुआ, शिव जी के दो पुत्र, एक कार्तिकेय एक गणेश जी, अब वहां पे 3-4 स्टोरीज है कि देर वॉज अ फ्रूट जो इंटेलिजेंस का एक फल था, एक ही जना खा सकता था, तो इन दोनों भाइयों में होड़ हो जाती है कि कौन खाए। या एक और है कि पूरे विश्व का कौन ध्यान रखे, किसको इन्वोक, कौन सबसे बड़ा देवता, ऐसा कुछ एक चल रहा था। तो शिव जी सबको बोलते हैं कि जो पर्सन तीनों, पूरे ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगा लेगा वो पर्सन सर्वश्रेष्ठ है और उसको सब देवताओं में महान माना जाएगा और वो सबसे बेस्ट है। अब कार्तिकेय जी के पास क्या था, मोर, वो अपना फटाफट निकल लिए।
गणेश जी की सवारी कौन है? मूषक। तो गणेश जी मन में सोच रहे कि मैं इस मूषक से कैसे 3 चक्कर लगाऊंगा। उतने में उनको एक आइडिया आता है, वो अपने माता पिता के 3 चक्कर लगा लेते हैं, शिव जी पार्वती के 3 परिक्रमा दे के सामने आके खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर में कार्तिकेय जी भी आ जाते हैं और वो बड़ा प्रसन्न कार्तिकेय जी कि मैं जीत गया। तो शिव जी गणेश जी को कहते कि तुमने हमारी परिक्रमा लगाई, इसका क्या अर्थ? तो गणेश जी बोलते हैं कि पिताजी, माताजी और पिताजी, आप ही में मेरा संसार है और ये पूरा आपकी 3 परिक्रमा में मैंने पूरा ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा ली। सो दैट डे शिव जी सेज कि सिंस ही सो इंटेलेक्चुअल, गणेश जी में इतनी बुद्धि है कि उन्होंने मतलब एक मूसक उनके पास और कैसे वो जाते, तो उनमें क्या कौन सी बुद्धि है, एफर्टलेसली उन्होंने अपना टास्क पूरा कर लिया। सो उस दिन से उनको ये वरदान देते हैं शिव जी कि अब जब भी कोई भी पूजा शुरू करेगा, कुछ भी मंगल कोई भी चीज होगी, चाहे शादी है, गृह प्रवेश है, पूजा है, कुछ भी, सबसे पहले आपको इन्वोक किया जाएगा गणेश जी को। क्यों? क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता है, सारे ऑब्स्टिकल्स हर्डल्स भी निकाल देते हैं, प्लस वो बुद्धि देते हैं कि कैसे हम हर चीज को ठीक से कर पाए। ये हो गया। देन एक और स्टोरी है जिसका रेलेवेंस ये है कि क्यों 10 दिन तक गणेश जी को रखा जाता है। शुक्ल पक्ष को कई लोग गणेश जी को लेके आते हैं, घर में स्थापित करते हैं और अनंत चतुर्दशी को विसर्जित कर देते हैं वो लोग। ऐसा क्यों होता है, इसकी भी एक कहानी है। महाभारत लिखनी थी तो वेद व्यास जी जाते हैं ब्रह्मा जी के पास कि महाभारत लिखनी है, किससे लिखवाएं, इतना बड़ा ग्रंथ है, कौन लिख सकता है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं सिंस गणेश जी बुद्धि वाले हैं तो वही आपका ये लिखेंगे। गणेश जी के पास और भी बहुत सारी पावर्स है, बुद्धि दाता है, राइटिंग स्किल्स है उनके पास, डांसिंग, सिंगिंग, ये सारी स्किल्स वो देते हैं। तो वेद व्यास जी कहते हैं उनको कि यह महाभारत का आप हमारे मेरे लिए ग्रंथ लिख दीजिए। तो गणेश जी कहते हैं मेरी एक शर्त है, आप रुकोगे नहीं, आप कंटिन्यूस बोलोगे और मैं कंटिन्यूस लिखूंगा। सो ऑफकोर्स ये स्टोरी एक दिन मैंने और बताई थी इन अदर रेलेवेंस। सो शुरू करते हैं वो लिखना। अब एट सम टाइम वेद व्यास जी देखते हैं कि गणेश जी का तापमान शरीर का बढ़ रहा है क्योंकि वो कंटिन्यूस लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके ऊपर मिट्टी का लेप लगा देते हैं ताकि उनको ठंडक पहुंच जाए और थोड़ा एक दो दिन में वो लेप से थोड़ा सा आइडल, वो मिट्टी की आइडल टाइप हो जाती है। तो जैसे ही संपूर्ण होती है महाभारत, तो गणेश जी की वो तपन को कम करने के लिए, प्लस वो सॉलिडिफाई हो गई, आइडल भी गणेश जी की बन गई, उन सबको करने के लिए वो पास ही सरोवर में डुबाते हैं गणेश जी की मूर्ति को। तो ये एक रेलेवेंस है कि उनका वो इतना तप किया, उन्होंने 10 दिन वो लिखा और फिर ये वेद व्यास जी उनको सरोवर में डुबाते हैं ताकि वो अंदर से बाहर निकले, पूरा सब निकले, उनका थकान सब निकल के ही इमर्जेस। सो दीज आर फ्यू स्टोरीज ऑफ गणेश जी। नाउ गणेश जी का एक और रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उनका स्पिरिचुअल एसेंस है। क्या होता है, हम सब लोग इस मिट्टी से बने हैं और हमारे अंदर एक आत्मा है। हम इस धरती पे आते हैं, जैसे कपड़े बदलती है ना शरीर, वैसे ही हमारी आत्मा, इस जीवन में मैंने ये फॉर्म ले लिया, उसके अंदर मेरी आत्मा है जो इमॉर्टल है, बट दिस बॉडी ये मॉर्टल है। अब इस जीवन में ये शरीर आया, मैंने अपना कर्म किया एंड देन आई डाई वन डे एंड देन द आत्मा गोज अप। This is the symbol of गणेश चतुर्थी पे जो गणेश जी हम घर पे लाते हैं, हम उनसे ये वो वैसे है हमारी आत्मा की तरह है कि फॉर्मलेस है हमारी वो आत्मा। हम उन गणेश जी को घर पे लाते हैं, सब कुछ अर्पित करते हैं, हर वो फॉर्म जो 5 तत्व जिससे हम बने हैं, हमारा शरीर बना है, वो सब हम उनको अर्पित करते हैं
और ऑन द 10th डे हम उनका विसर्जन करते हैं. दैट इज लाइक साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. सो इसका क्या मतलब है कि जो इस संसार में आया है उन सबको जाना है. एवरी पर्सन हैज टू गो बिकॉज दिस इज हाउ इट इज. आत्मा अजर अमर है बट ये शरीर इसको जाना है. तो ये सिंबॉलिक है कि लॉर्ड गणेशा को हम घर लाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनको सब कुछ अर्पित करते हैं ऑल द और एक क्ले. इसीलिए सबसे अच्छी मूर्ति क्या रहती है, क्ले की बनी हुई, मिट्टी की मूर्ति बनी हुई गणेश जी की, क्योंकि हम सब क्या है, मिट्टी से बने हुए हैं और अंत में वो मिट्टी वापस चली जाती है. सो ऑन 10th डे व्हेन वी इमर्स विसर्जन करते हैं हम गणेश जी का, ही गोज टू हिज हेवनली अबोड. वो अपने वापस कैलाश पे चले जाते हैं. और ये 10 दिन हम उनको क्यों बुलाते हैं घर पे, ताकि आने वाला साल हमारा सबसे पहले हमारे जीवन के सारे विघ्न हट जाए, ऑब्स्टिकल्स हट जाए, हमारे में वो बुद्धि आ जाए जिससे वी कैन मैनिफेस्ट आवर लाइफ, वी कैन डू थिंग्स इन आवर लाइफ. एंड गणेश जी क्या देते हैं, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, सब कुछ. और गणेश जी को एक प्रसाद चढ़ता है मोदक, जिसका क्या अर्थ है, मोद मतलब हैप्पीनेस. सो गणेश जी का जो प्रसाद है वो भी हैप्पीनेस वाला है. इसका भी एक स्पिरिचुअल मीनिंग है, मे बी समडे आई विल एक्सप्लेन इट थ्रू माय वीडियो. सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ गणेश जी. नाउ आई विल टेल यू उनको चढ़ाना क्या वर्जित है. सबसे पहले गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती बिल्कुल भी. इसकी भी एक कहानी है कि तुलसी माँ गए थे, तीर्थों पे गए और एक दिन वह आए तो सरोवर के पास गणेश जी पूजा कर रहे थे और उनका इतना अद्भुत वो रूप, द ऑर्नमेंट्स, ऐसा देख के तुलसी माँ उनके पास जाती है और बोलती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ. अब गणेश जी अपने ब्रह्मचारी, वो बोलते हैं मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं विवाह वगैरह कुछ नहीं करूँगा, तो मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता. अब तुलसी जी को आ जाता है गुस्सा, तो वो कहती है जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारे 2 विवाह होंगे. अब गणेश जी घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं ये क्या हो गया, तो वो दोबारा श्राप दे देते हैं तुलसी जी को कि जाओ तुम्हारा, तुमने मेरा ये ब्रह्मचर्य तोड़ा ना, तो जाओ तुम्हारा असुर से विवाह होगा. अब तुलसा जी घबरा जाते हैं कि ओहो असुर से विवाह हो रहा है मेरा. तो कुछ ऐसा सीक्वेंस होता है, फिर गणेश जी उनको बोलते हैं कि हर घर में तुम पूजी जाओगी एंड दैट्स अनदर स्टोरी. एंड आप देखते हैं गणेश जी के 2 विवाह होते हैं, रिद्धि एंड सिद्धि, 2 पुत्र शुभ और लाभ. तो कल जब हम पूजा करेंगे हम गणेश जी के पूरे परिवार की पूजा करेंगे, गणेश जी, रिद्धि, सिद्धि, शुभ, लाभ और गणेश जी का मूसक. सो हमें तुलसी दल नहीं चढ़ाना है. और जैसे शिव जी को बीलपत्र बहुत पसंद है, विष्णु जी को तुलसी दल, कृष्ण भगवान को तुलसी दल, वैसे ही गणेश जी को क्या सबसे ज्यादा पसंद है, दूर्वा, घास जो होती है उसको दूर्वा बोलते हैं. अब दूर्वा में भी क्या होता है, आपने अगर कभी देखा है एक स्टिक, उसमें कई बार तो ऐसा 2 ऐसे एजेस होके 3 होते हैं, कई बार 5. सो 3 इज इन ट्रिनिटी या शिवा, शक्ति एंड गणेश. और 5 क्या है, 5 एलिमेंट्स जिससे हम सब बनते हैं. तो ये दूर्वा हमको चढ़ानी है गणेश जी के. अब दूर्वा क्या है, 1 इज इट्स अ कूलेंट एंड सेकेंडली इट इज अ ऑक्सीजन इमिटिंग थिंग. तो ये पॉजिटिविटी क्रिएट करता है. एंड गणेश जी का सबसे बड़ा काम क्या है, रिमूविंग नेगेटिविटी, ब्रिंगिंग इन पॉजिटिविटी. सो गणेश जी को अति प्रिय क्या है, दूर्वा, मोदक, घी, गुड़, ये सब आप उनको चढ़ा सकते हैं. कल सुबह 12:15 से लेके रात को 12:18 AM, दैट इज आज की रात 9 तारीख को 12:18 AM से लेके कल रात को 9:57 PM तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है गणेश चतुर्थी का.
और उसमें एज आई टोल्ड यू मध्य काल में दोपहर में दैट इज 11:03 to 1:33 उनका पूजन हमको करना है। और हम क्या करेंगे, अब एक और चीज है, सिंस आपने देखा होगा, अब यहाँ वास्तु की बात कर रहे हैं हम, हमारे घर के बाहर हम हमेशा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जितने भी ऑब्स्टिकल्स हर्डल्स हैं वो बाहर ही रह जाए घर में। गणेश जी हमारे घर को कैसे, जैसे उन्होंने माता पार्वती की रक्षा की वैसे हमारी करते हैं। बट यहाँ गलती क्या हो जाती है, आई डोंट हैव अ आइडल हियर, सो से अबाउट ये गणेश जी की मूर्ति है, ओके तो ये इनकी पीठ हो जाती है, दैट इज द बैक ऑफ गणेश जी। इस बैक में दरिद्रता का निवास होता है। तो अगर आप अपने घर के बाहर ऐसे गणेश जी लगाते हैं और ये बैक अगर पीछे आपके घर की तरफ देखेगी तो क्या होगा, आपके घर में पावर्टी आ जाएगी। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको गणेश जी की ऐसा बार मूर्ति लगाएं और बिल्कुल उनके पीछे एक और मूर्ति लगाएं घर की तरफ देखते हुए, ताकि लॉर्ड गणेशा इज ब्लेसिंग अस विद लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। अगर आप मूर्ति नहीं लगा सकते, पुट अ फोटो। इस बैग को आपको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपके घर में बाहर से विघ्न तो नहीं आएंगे बट प्रॉस्पेरिटी को रोक देंगे। देन देयर इज अनदर थिंग, जैसे आप ये देख रहे हैं फोटो, इसमें गणेश जी की आप देख रहे हैं ट्रंक का भी बहुत सिंबल है। जब गणेश जी का ट्रंक ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में जाता है, ऐसी वाली मूर्ति हमको घर के लिए रखना है, बिकॉज दिस गिव्स अस मटेरियल प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, और गृहस्थ लोगों के लिए ऐसी मूर्ति होती है। वहीं जो राइट साइड में जाती है, दैट इज वेरी हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी का वो सिंबॉलिक है, एंड हमारे गृहस्थी में हमको अबंडेंस चाहिए, ये मोदक के ऊपर आ रही है इनकी। सो ऐसी वाली मूर्ति हमको वास्तु के हिसाब से चाहिए। देन अगर हम लें एक और चीज, तो गणेश जी क्या है, सिंबॉलिक ऑफ मूलाधार चक्र, हमारा जो बेसिक चक्र है, एट द बेस ऑफ आवर स्पाइन जो चक्र है उसकी डेटी है गणेश जी। क्योंकि मूलाधार चक्र क्या है, एंथुजियाज्म, काम करने की सारी जो है थ्रिल, ये सब। सो गणेश जी इज ऑल्सो दैट ओनली, ही इज इंटेलेक्चुअल, ही इज दिस। तो अगर आपको लगता है आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, कुछ नहीं उनमें प्रॉब्लम है, तो गणेश जी क्या है, बुद्धिदाता। तो आप उनसे गणेश जी की भक्ति कराइए, और कल भी ये कीजिएगा, गणेश अथर्व शीर्ष इसका भी पाठ करिएगा। प्लेट यूट्यूब से प्ले कर सकते हैं आप लोग, या खुद से पढ़िए। अगर आपके बच्चे एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं, कुछ भी, दे कैन ऑल्सो डू एवरी वेनस्डे, कल भी करिए एवरी वेनस्डे। देन मूलाधार चक्र गणेश जी को क्यों, क्योंकि दो एस्पेक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ में, मटीरियल स्पिरिचुअल, एंड गणेश जी इज इंटेलेक्चुअल। सो मूलाधार चक्र में ये दोनों होता है, कुंडलिनी एनर्जी होती है। गणेश जी हेल्प्स अस कि हम इन दोनों एस्पेक्ट्स के थ्रू मटेरियल वर्ल्ड में रहें विद ऑल द प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस, एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ज्ञान हो और हम ये समझे कि दिस बॉडी इज जस्ट अनदर फॉर्म, ये हमारी आत्मा फॉर्मलेस है। सो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी गणेश जी के ज्ञान से ही होती है, मूलाधार चक्र से ही होती है। एंड मूलाधार चक्र क्या है, इट गिव्स एनर्जी टू ऑल द अदर चक्रास। इसलिए भी गणेश जी को सबसे पहले हम इन्वोक करते हैं, सबसे पहले इनवाइट करते हैं, चाहे घर में शादी हो, गृह प्रवेश हो, या कोई भी पूजा हो। हियर आई रिमेम्बर समथिंग, सो माय मदर इन लॉ, वो एक चीज करती थी जो मैंने उनसे सीखा है, अदरवाइज तो बहुत सारी चीजें आई द स्पिरिचुअल थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम माय पेरेंट्स, बट देयर वाज वन थिंग कि अगर वो अचार भी बनाती थी ना, पुराने जमाने में नहीं बनता था साल भर के लिए अचार बन रहे, लड्डू बन रहे, एवरी टाइम शी यूज्ड टू इनवोक ओम श्री गणेशाय नमः, एंड दिस आई हैव लर्न फ्रॉम हर।
कोई सा भी काम, whenever you do any work, क्योंकि भगवान ने उनको ये दिया है वरदान, you know, भगवान को भगवान ने वरदान दिया है, so उनको ये वरदान मिला है कि कोई भी उनको इन्वोक करेगा तो उनका काम effortlessly होगा, जो भी जरूरत होगी प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस वो काम करने के लिए वो मिल जाएगा, जो ऑब्स्टिकल्स बुरी नजर कई बार तंत्र मंत्र कई सारी चीजों की वजह से हमारे टोक लग जाती है तो वो भी गणेश जी हमें बचा लेते हैं. सो वी शुड ऑलवेज इन्वोक टू लॉर्ड गणेशा बिफोर डूइंग एनीथिंग, एनी सिंपल थिंग, चाहे ये सेशन शुरू करने से पहले. अब जैसा मैंने बताया था पार्वती माँ ने क्या करा था, वो उपटन जो हल्दी से बना हुआ था उससे उन्होंने बनाई गणेश जी की प्रतिमा. तो गणेश जी को हम हल्दी की गांठ चढ़ाएं, देन गणेश जी हरे रंग को सिंबॉलिक है तो पान का पत्ता चढ़ाइए, इलायची चढ़ाइए, लौंग चढ़ाइए, नारियल कलश की स्थापना, नारियल कौन सा कच्चा पानी वाला नारियल चढ़ाइए, कपूर, लाल चंदन, लाल चंदन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी पूजा में, और क्या चढ़ा सकते हैं आप. सो जो लड़कियों की शादी नहीं हो रही वो भी कल व्रत कर सकती है गणेश जी का, और उनके पेरेंट्स कर हल्दी की गांठ चढ़ा सकते हैं गणेश जी को उनकी शादी के लिए. देन मालपुए, गणेश जी को मालपुआ भी बहुत पसंद है तो शादी के लिए आप मालपुआ भी चढ़ा सकते हैं गणेश जी को. एंड अगर आपको यू वांट लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस तो घी गुड़ का भोग लगाइए गणेश जी को. अगर लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम्स क्या होती है नेगेटिविटी, उसके लिए क्या चढ़ाएंगे दूर्वा, सो दैट वो नेगेटिविटी चली जाए, पॉजिटिविटी आ जाए घर में. सो डू दिस. और किसी को प्रमोशन नहीं मिल रहा, शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, देखा आप सिद्धि विनायक जाते हैं सब लोग, एवरीथिंग यू कैन आस्क लॉर्ड गणेशा, ही कैन गिव यू एवरीथिंग. दूसरा सबसे ज्यादा वो क्या दे देते हैं, हमको बुद्धि दे देते हैं, ज्ञान दे देते हैं, जिससे वी कम टू नो हाउ टू यूज ये धरती की सारी चीजों को और कैसे हमारी जिंदगी को बेहतर बना सके, बेटर कर सके. सो कल गणेश चतुर्थी है, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू. एंड गणपति, गणपति नाम क्यों है, क्योंकि एज यू नो आवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स, एटम्स के समूह को बोलते हैं गण, उन गणों को, वो जो गण यूनिवर्स बनाता है उन सारे गणों का ध्यान रखने वाले कौन, गणपति गणेश जी, गणेश गणों के ईश्वर. वी ऑल आर एटम्स, वी ऑल आर गण, सो जनता को भी गणी कहते हैं, सो गणों के ईश्वर गणेश. सो दैट्स द पावर ऑफ लॉर्ड गणेशा. सो यूज द पावर टू मैनिफेस्ट अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, जॉय. गणेश जी को देखा है ऑलवेज लाफिंग, हैप्पी गो लकी पर्सन है, भगवान है. So happy Ganesh Chaturthi to all of you. Let me see if I missed something. So Ganesh Yantra bhi aap rakh sakte hain in case aapko wo karna hai. Aur Ganesh ji ka jo ye hota hai aajkal itna bada sa, ye kahan se shuru hua? Sabse pehle Shivaji ne Mughals ke khilaf युद्ध किया, तब उन्होंने गणेश चतुर्थी का ये सेलिब्रेशन शुरू किया. देन बाल गंगाधर तिलक इन 1893, व्हेन क्योंकि ब्रिटिशर्स बीच में आए उन्होंने बंद कर दिया था ये गणेश जी का सेलिब्रेशन, फिर बाल गंगाधर तिलक ने ये वापस वो लेके आए, उनको लगा हाउ टू यूनाइट द इंडियंस, कैसे सबको इकट्ठा करें, ऐसे तो वो अलाउड नहीं थे, ब्रिटिशर्स अलाउ नहीं करते थे कि वो लोगों को मोटिवेट करे फ्रीडम फाइट के लिए ऐसा. सो बाल गंगाधर तिलक इन 1893 ब्रॉट इन दिस गणेश चतुर्थी का बड़ा मैसिव सेलिब्रेशन, जो सी आई एम गेटिंग दीज गूज़बम्प्स. सो आज भी वो वैसे ही होता है. सो ही इनवाइटेड ऑल द इंडियंस टू गेट कलेक्टेड, फिर उनको वहां बताया गया स्वराज की कामना करने का,
कैसे ब्रिटिशर्स को हटाया जाए, तो तब से ये शुरू हुआ है मैसिव वे में गणेश जी का जो पूजन होता है, गणेश चतुर्थी से शुरू होता है एंड अनंत चतुर्दशी तक चलता है। इवन इफ आप नहीं करते ये सब तो भी आई वुड सजेस्ट, बिकॉज इन द यूनिवर्स लॉर्ड गणेशा की ये कॉन्शियसनेस धरती पे आई हुई है, इनवोक फॉर द ब्लेसिंग्स। कोई चीज आपको परेशान कर रही है, कोई मुकदमा, कोई केस, कोई भी इशू, इनवोक फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड गणेशा, स्पेशली कल। ही विल हेल्प यू आउट बिकॉज ही इज हियर 10 days। फिर अनंत चतुर्दशी को वो वापस माउंट कैलाश अपने पेरेंट्स के पास, बट राइट नाउ ही इज कम डाउन टू हेल्प ह्यूमैनिटी फॉर 1 full year। हम हमारी जिंदगी उनके हवाले कर सकते हैं, वी कैन इनवोक फॉर द ब्लेसिंग्स। ओके, सो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। आई होप दिस सेशन इज यूजफुल फॉर यू ऑल। एंड देयर इज वन मोर थिंग, मेरी नेक्स्ट वीक से वास्तु की क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें कई सारे, अब जैसे बता दिया गया कि गणेश जी की प्रतिमा को बाहर स्थापित कर दीजिए, अब उनके पीठ में दरिद्रता है, इसलिए उनकी परिक्रमा भी एक पर्टिकुलर वे में दी जाती है। नेवर सी द पीठ ऑफ गणेश जी, बाउ डाउन योर हेड एंड डू इट, या प्रतिमा के सामने खड़े भी सर्कल कर सकते हैं आप। आई विल टेक द क्वेश्चंस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो वास्तु क्लास बिगनिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक, आई विल पुट इन द ग्रुप्स, एंड ग्राफोलॉजी क्लास ऑल्सो, क्योंकि एज आई टोल्ड यू हैंड राइटिंग से वी कैन चेंज आवर पर्सनैलिटी। 2 classes in this month. Kisi ko interest hai, they can send me personal message. Otherwise, jo groups mein hai, I'm going to share the message. And those who are watching this video on YouTube, you can also connect to us through any of the groups. Nahi to comment section mein aap dal dijiyega, in case you do not have any numbers or contact, if you are interested in doing the courses. So like and subscribe my channel, tell your friends to like and subscribe, so that ye aisi spiritual knowledge bhi sabko mile. Aur bhi kai sari Ganesh ji ki kahaniyan hai jo aane wale dinon mein I am going to upload. More than stories, I want to share the spiritual essence of Lord Ganesha. Okay, so Atma Namaste. Now we move to the next part of our session. So now we will talk about how to create a vision board. So kai baar maine kai sare sessions liye hain, but kal kya hai, Ganesh Chaturthi. So we should create a vision board tomorrow also, because Ganesh ji ke paas power kya hai, obstacles hurdles ko hatana aur prosperity abundance dena. So dono kaam honge hamare kal. To विजन बोर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले व्हाट आई सजेस्ट इज कि कोई मेडिटेशन करके आप बनाइए विजन बोर्ड। ट्विन हार्ट मेडिटेशन कीजिए, सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपका हार्ट चक्रा भी खुल जाएगा, आपका क्राउन चक्रा भी खुल जाएगा, तो गणेश जी वाली इंटेलेक्चुअल पावर भी आ जाएगी, हैप्पीनेस भी आ जाएगी। एंड देन यू क्रिएट अ विजन बोर्ड। वो क्या होता है, एक आप पोस्टर बनाइए अपने ड्रीम्स का पोस्टर, उसमें आप पिक्चर्स लगाइए जो भी आपका ड्रीम है, और वो पिक्चर्स ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको देख के खुश हो। तो लेट्स टेक अ इवेंट, व्हाट कैन वी टेक, किसी को फॉरेन जाना है, उसके लिए उसको विजन बोर्ड क्रिएट करना है। तो सबसे पहला हमें क्या देना है, टाइम लिमिट। You know, we have to give a time limit कि in this time I want this to happen. So वो हमारा एक बहुत important है। Say about अगर किसी के बच्चा अभी IAS officer बनना है, वो 12th में ही है, तो वो आज से vision board पे photo लगा देगा। अब हमको क्या करना है, हमारे 5 senses से इसको charge करना होगा every day. तो अब वो 8-9 years में हर इंसान interest lose कर जाता है। So what I suggest, always create a vision board for 3 months, 6 months, or maximum 1 year. Bas.
5 years का भी प्लानिंग मत करिए. सो आई विल शेयर एक्सपीरियंस विद यू ऑल दैट मैंने जब लास्ट टाइम विजन बोर्ड सिखाया था, आई डोंट नो अप्रैल में या समवेयर, अभी आई टेक योर वेट लॉस ऑल्सो. सो आई क्रिएटेड अ विजन बोर्ड इन अ बगुआ शेप. सो आई विल शेयर इट. ये जो यूट्यूब पे वीडियो लगेगा इस पे पिक्चर डाल देंगे कि बगुआ शेप कौन सा होता है. उसमें एग्जैक्टली लिखा हुआ है, यहाँ फैमिली के लिए विश लिखिए, यहाँ अपने लिए लिखिए. ऑल द दे हैव गिवन द सेगमेंट्स. दिस इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू फेंग शुई. वास्तु टाइप डायरेक्शन है उसमें. और मैंने वैसा ही एक विजन बोर्ड बनाया एक विश के अलावा. विद इन 3 months सारी विशेस पूरी हो गई. यस आई वॉज रियलिस्टिक, जो चीजें पूरी हो सकती थी. बट देयर वर फ्यू थिंग्स विच वर नॉट इवन ऑन माई कार्ड्स, बट मैंने लिख दी क्योंकि मुझे ट्राई करना था. एंड दे हैव मैनिफेस्टेड. सो ऑलवेज हैव अ फेथ. देन ये बगवा में भी एक डायरेक्शंस की एनर्जीज होती है, कलर्स भी होते हैं उसमें पर्टिकुलर, वही कलर भी करना है हमको. एंड यू क्रिएट, ठीक है. सो आप वैसे क्रिएट करिए और उसमें टाइम दीजिए. ऑलवेज गिव अ टाइम सो दैट जब टाइम बाउंड होता है, हमको भी जब टाइम मिलता है. नहीं होता है कंपनीज में दे से इन 1 year यू हैव टू प्रोड्यूस दीज मैनी पीपल एंड देन वी रश. सो सेम वे वी हैव टू टेल द यूनिवर्स वी वॉन्ट इन दिस टाइम. टाइम, clarity, enthusiasm, faith. So अभी हम foreign trip का कर रहे थे and एक सबसे बड़ा headlines. Newspaper में क्या होता है, when we see the newspaper, we see the headlines. Okay. जिसकी headline अच्छी लगती है उसको हम अंदर पढ़ते हैं. Universe में भी यही काम होता है. So you have to have the headlines. तो जैसे हमने लिया foreign trip का अपना एक Yeah, you can just choose a corner of your chart or I would suggest make an independent chota sa A4 sheet ka chart banaiye. Uspe ek headline likhiye. My visit to Paris. Ye headline likh dijiye. Ya Eiffel Tower, an evening below Eiffel Tower. Kuch bhi, anything like that. Then put a airline ka photo. Kaun si airline ke through aap jana chahte ho. What all clothes you want to wear? अगर विंटर में जा रहे हो तो एक थोड़ा वुलन्स, आपका सूटकेस और भी जो भी चीजें. क्या होता है, द मोर यू मेक योर थिंग पक्का एंड वेन यू आर प्रिपेयरिंग, यू नो वेन यू आर प्रिपेयरिंग योर विजन बोर्ड, यू गेट एक्साइटेड एंड यू फील हैप्पी ऑल्सो ना. ये सारी पिक्चर्स कलेक्ट करने में आपको क्या लगता है, इट्स लाइक यू नो क्रिएटिंग दैट गणेशा वाली आइडल. सो This is how we need to create a vision board. अब कोई बोल रहे weight loss. अभी मैंने vision board बना दिया. Thank you. And we have to write this in a thank you format. Remember, gratitude is the success of having things in life. So, आपको thank you universe for this. You have to write on your vision board. And where was I? Ha, weight loss. Abhi kisi ne likh diya, thank you universe for helping me lose 50 kgs of weight. Aur aapko kya ho gaya? Typhoid. We don't want this. So you will give a good tagline. Thank you. Yeah, I am super healthy. Ye likhiye aapka headline. Fir aap ek gym ki photo daliye ki maine ye gymming ki. Put food also, you know, nutrition food, nimbu pani, almonds, kuch bhi achha khana, ki maine ye achha khana khaya. Then put a dress. So abhi mujhe XL fit aa raha ho, by the way, I will put a medium size ka dress. Ki I need to fit in into this. But put proper ways, you know, sahi tariqo se aapka weight loss ho. Aise hi har cheez ka aap vision banaiye. I will be sharing a video also जहां मैंने step to step सिखाया है how to create a vision board. But this I wanted to share personally with you all that written words have more manifesting power and when we use our 5 senses, क्या visualization कि जब vision board के सामने खड़े हो keep visualizing. कि मैं फ्लाइट में बैठ के एफिल टावर की फोटो, देन
स्मेल, खुशबू लीजिए परफ्यूम्स की, पेरिस में परफ्यूम्स बहुत अच्छे होते हैं, तो इमेजिन कीजिए आपने अच्छा सा परफ्यूम खरीदा है। देन आवाज सुनिए, आवाज चाहे फ्लाइट की आवाज सुनिए कि वाओ ऐसे फ्लाइट में जा रही थी आवाज आ रही थी। टच, इमेजिन टचिंग दैट एफिल टावर। सो और क्या है, और सेंसेस क्या है, हियर एंड टेस्ट। सो पिज्जा का टेस्ट ले लीजिए, वहां इटालियन खाने का मुंह में स्वाद लीजिए। सो व्हेन वी यूज आवर फाइव सेंस ऑर्गन्स, हमारी विश और प्रोमिनेंटली पूरी हो जाती है। सो क्रिएट योर विजन बोर्ड, ऑल दोज हु आर वॉकिंग ऑन दिस ग्रैटिट्यूड जर्नी, बिकॉज नाउ वी आर वाइब्रेटिंग ऑन अ हाई वाइब्रेशन। हम बिलीव करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, वी नो व्हाटएवर वी थिंक we will achieve in life, we can manifest by changing our subconscious mind. So this is why vision board maine abhi bataya hai banana, kyunki ab hum itne dino se activities kar rahe hain, aapne ek check bhara hoga, so mera check manifest hua hai past gratitude journey mein. So do with the faith, create happily, you know, don't create doubts ki tushar ma'am ne bola hai विजन बोर्ड क्रिएट करने के लिए, ठीक है कर तो देती हूँ, बट यार कैसे जाऊंगी पेरिस, पैसे भी नहीं है, कोविड भी चल रहा है, आई डोंट नो, इट्स नॉट पॉसिबल। डोंट हैव दीज थॉट्स, क्रिएट विद दिस विश। सो वी आर विमेन, तो जैसे आप खाना बना रहे होते हो ना, आपको डाउट नहीं होता ना, वैसे ही बनाइए इसको विदाउट एनी डाउट। हैव फेथ ऑन यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड एंड देन मेक। And every day अपने विजन बोर्ड को मेडिटेशन के बाद देखिए, आप मेडिटेशन नहीं करते, पूजा सब लोग करते, पूजा के बाद अपने उसको देखिए, ब्लेस कीजिए, फील करिए वो सारी चीजें पूरी हो रही है। सो द मोर पावर यू गिव टू दिस विजन बोर्ड ऑफ योर्स, फास्टर इट मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। जितना ज्यादा आप इसको जियोगे ना अपने सपने को, उतना ही फास्ट सपना पूरा होगा। Okay, so that was about the vision board. So kal hum, because kal bahut auspicious day hai, and as we all know, amavasya ke baad humko ye sara manifesting energy karna chahiye. As the moon grows, our wishes also manifest. There's a lot of power there. Aur kal Ganesh Chaturthi hai, Ganesh ji ka tyohar hai. Bahut sari manifesting energies in these 10 days. So make a vision board tomorrow and energize it for another 10 days. Fir bhale Anand Chaturdashi pe usko almera mein rakh dijiyega for it to manifest your dreams and your aspirations. Okay? So Atma Namaste everyone. I hope you like the sessions.